नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए देखते देश और दुनिया की ताजा खबरें। कर्नाटक के मंड्या में शोभा यात्रा के दौरान दो गुटों में बहस, हिंसा और आग से 46 लोगों की गिरफ्तार। केंद्र कर रहा टैक्स अनुचित वितरण, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 8 राज्यों को पत्र लिख चर्चा के लिए। तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस के बीच में हुई तीखी जुबानी जंग, बीआरएस ने दल बदल विधायकों को साड़ी पहनने की भी नसीहत, कांग्रेस नेता ने जूता दिखाकर किया तीखा वार। कोलकाता आरजीकर अस्पताल में विरोध मंच के पास मिला लावारिस बैग, बम निरोधक सस्ता पहुंचा। सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल। असम डिब्रूगढ़ के मोरंग क्षेत्र में मिले दो बोतल क्लीनर, पुलिस सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को किया आमंत्रित, केंद्र पर फंड बांटने में भेदभाव का आरोप। यूपी मैनपुरी में भारी बारिश के बीच 3 जगह गिरी दीवार, 5 लोगों की मौत। हरियाणा विधानसभा चुनाव, कांग्रेस ने दो नामों की एक और लिस्ट जारी की, आकलना से नरेश सेलवाल को टिकट। जनता कहे काम नहीं हुआ तो चला जाऊंगा, पंचायत आज तक में बोले एलजी मनोज सिन्हा। जेएनके के आवाम ने पड़ोसी की साजिश समझी, पंचायत आज तक में बोले एलजी मनोज सिन्हा। तमिलनाडु के चिदंबरम में भीषण सड़क हादसा, लॉरी और कार की भिड़ंत में 5 की मौत। कर्नाटक के मंड्या में सांप्रदायिक हिंसा के बाद अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आर्थिक अनियमितता के मामले में ईडी की छापेमारी। एक्टर दर्शन और पवित्रा की न्यायिक हिरासत आज होगी खत्म। सीएम योगी आज करेंगे अटल रेजिडेंशियल स्कूल के नए सेशन की शुरुआत। हरियाणा चुनाव, कांग्रेस ने जारी की नई लिस्ट, 40 उम्मीदवारों का ऐलान। बैरन बनी बारिश, अजमेर समेत राजस्थान के इन जिलों में आज स्कूल रहेंगे बंद। टीचर ने छात्र को मारा ऐसा थप्पड़ की पथ के आकार, लगाने पड़े 4 टाके, देख कर सहम गए परिजन। पटना सेल्फी के लिए गंगा किनारे पेड़ पर चढ़ा टिल्लू, कैमरा ऑन हुआ पर खुद दुनिया से ऑफ हो गया, रील्स के खतरनाक शौक ने ले ली चार। झांसी में बारिश बनी आफत, उफान पर नदियां, सड़कों पर घुटनों तक पानी, ट्यूब पर शव ले जाने को मजबूर लोग। एमपी में सेना के अधिकारी से मारपीट और महिला मित्र से गैंगरेप के आरोप में दो गिरफ्तार, 4 आरोपियों की अभी भी है तलाश। राहुल गांधी पर इस वक्त बीजेपी से भी ज्यादा आक्रामक क्यों है बीएसपी सुप्रीमो मायावती। आजीकर केस, आजीकर अस्पताल रेप मर्डर केस में आंदोलन का असर, डॉक्टर्स और बंगाल सरकार में बातचीत के लिए शर्तों का दौर। केपी एक्सप्रेस में इस वक्त के लिए इतना ही, देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज 24/7। धन्यवाद।